चलिए रखता नेटवर्क चला। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी ने राज बब्बर को टिकट दिया है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीट कांग्रेस के खाते में आई है, एक सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई है। कांग्रेस पार्टी ने 9 में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था और अब गुरुग्राम सीट जो होल्ड पर था वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। राज बब्बर का नाम चर्चा में था, सुर्खियों में था, क्योंकि वहां पर कैप्टन अजय यादव जो कांग्रेस के ओबीसी सेल के अध्यक्ष हैं उनका नाम भी चल रहा था और उस क्षेत्र के बड़े दिग्गज नेता हैं। लेकिन आखिरकार राज बब्बर का नाम कांग्रेस ने तय किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं रविंद्रजीत, उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर होंगे। विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, कई दिनों से हम लोगों की बात होती थी तो आप राज बब्बर के नाम पर बड़ा जोर देते थे कि राज बब्बर का नाम तय हो सकता है, क्या फैक्टर राज बब्बर के पक्ष में गया है? देखिए, निश्चित तौर पर जी मीडिया की खबर पे फिर एक बार मोहर लगी, पर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो 9 उम्मीदवार आए हैं, इससे पहले सुशील गुप्ता भी थे, कम से कम 7 से 8 नाम हमारे सही निकले हैं। और कहीं ना कहीं राज बब्बर की जो बात थी, मामला रुका हुआ था कि 2 बड़ी टिकटें कटी थी और मैंने ये बात भी आपको याद होगा धर्मराज, आपके साथ जब हम दर्शकों के साथ जानकारी साझा कर रहे थे, हम दोनों की ये टीम ही दर्शकों को जानकारी दे रही थी, उस समय मैंने बिल्कुल क्या है वजह बिल्कुल साफ थी कि 2 बड़े टिकट कटे, उसके बाद कैप्टन अजय सिंह यादव एक्टिव हुए, कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव तक भी अपना जोर लगाया, लेकिन उसके बाद हाना का दौर चलता रहा और आखिरकार राज बब्बर को लेकर जो नाम पहले से हम लोगों के पास मौजूद था हमारे सोर्सेज से, राज बब्बर को ही टिकट मिला है। ओबीसी ए कैटेगरी इसमें फिट होती है, पंजाबी कैंडिडेट का जो कोटा है वो इसमें फिट होता है, तो ये 2 बड़े कारण कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहे जा सकते हैं। और चेहरा बदल कर देने की जो कवायद थी, चाहे आप महेंद्रगढ़ की सीट की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए किसी और सीट पे, अगर खास तौर से बात करें तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह का जो पूरा जो इस तरह से टिकट वितरण में नए चेहरों पे दाव और जो पुराने हारे हुए चेहरे थे उनसे कांग्रेस ने इतर हटकर, फैसला क्या होगा जनता तय करेगी कि कितना अच्छा है, रविंद्र जीत को टक्कर दे पाएगा, क्या बाहरी का टैग लगेगा, ये तमाम मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन टिकट वितरण को ये जरूर कहा जा सकता है कि पुराने जो हारे हुए चेहरे थे जिन्होंने एक तो चुनाव हारे थे पहले लोकसभा में, उनकी टिकट कटी है। और मैं इसको राज बब्बर की टिकट मिलने के अलावा ये भी कह सकता हूँ कि ये टिकट कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव की कटी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका।